हेलो, आई एम डॉक्टर प्रगति रस्तोगी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मेरठ कॉलेज मेरठ। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी फाइलम प्रोटोजोआ, कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द प्रोटोजोआ में बी डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर एनिमल फ्यूल्स विदाउट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई बट नो न्यूक्लियस एवर इन चार्ज ऑफ अ स्पेशलाइज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। They exist either single or in colonies, which differ from a metazoan in having all the individuals alike except when engaged in reproductive activities. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और आप इनको बिना माइक्रोस्कोप के या सूक्ष्म दर्शी यंत्र के हेल्प के बिना आप इनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार के टिश्यूज़ या ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई हो सकता है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियस पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म के किसी भी पार्ट के लिए स्पेशलाइज नहीं होता है या उसके लिए उसके एक्टिविटीज़ को निर्धारित नहीं करता है। ये या तो सिंगल सेल के रूप में मौजूद रहते हैं या फिर ये एक लूजली निट कॉलोनीज के रूप में होते हैं। ये मेटाजोन कॉलोनीज से इस प्रकार से डिफरेंट होते हैं कि इसमें प्रत्येक सेल जो है वो अपने एक अलग ऑर्गेनिज्म की तरीके से कार्य करता है। और प्रोटोजोआ की लगभग 50,000 स्पीशीज जो है वो अब तक हम लोग को ज्ञात है। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि ये सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बॉडी इनकी बिल्कुल सिंपल होती है क्योंकि एक ही सेल है, बहुत प्रिमिटिव इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कह सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक ही सेल होता है। ये सॉलिटरी या एक सेल के रूप में हो सकते हैं या कॉलोनियल या एक साथ बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। इनका जो सेल होता है वो किसी भी प्रकार से डिफरेंशिएटेड नहीं होता है सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म में, और इनकी नेचुरल डेथ भी नहीं होती है क्योंकि एक ही सेल के डिवीजन से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ यहाँ पर नहीं है या ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं। न्यूक्लियस इसमें एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक ही अगर एक से अधिक हैं तो मोनोमॉर्फिक या एक ही प्रकार के हो सकते हैं, और अगर डाइमॉर्फिक हैं तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की ही आगे हम बात कर रहे हैं तो बॉडी सिमिट्री जो होती है एसिमिट्रिकल हो सकते हैं या बाइलेटरली सिमिट्रिकल हो सकते हैं। बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब अगर हम एक उसको काटें तो आपको दो मिरर इमेजेस मिलेंगी, या फिर रेडियल सिमिट्री हो सकती है या स्फेरिकल हो सकते हैं। इनका सेल नेकेड हो सकता है बिना किसी बाहरी आवरण के, या पेलिकल मौजूद हो सकता है या कोई एक्सोस्केलेटन शेल्स के रूप में प्रेजेंट हो सकती है। बॉडी फॉर्म कभी कभी कॉन्स्टेंट होती है और कुछ में वेरिएबल बॉडी फॉर्म भी होती है। सब सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे पाया जाता है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइलीज हैं सेल के वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनाइलीज दे माइट बी फिंगर लाइक सुडोपोडिया या विप लाइक फ्लैजला। विप कहते हैं हंटर को या चाबुक को, चाबुक के जैसा फ्लैजला हो सकता है या हेयर लाइक सीलिया हो सकते हैं या पूरी तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गेनाइलीज एबसेंट भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है एक डेफिनेट ओरल अपर्चर हो सकता है या ओरल अपर्चर एब्सेंट भी हो सकता है। इसी प्रकार से एनल अपर्चर प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। न्यूट्रिशन जो है इसमें चार प्रकार से हो सकता है, एनिमल लाइक या होलोजोइक, प्लांट लाइक या होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक या पैरासिटिक। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है क्योंकि फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है और एक ही सेल है इस वजह से इंट्रासेलुलर। रिप्रोडक्शन इसमें दो प्रकार से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो बाइनरी या मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है या बडिंग के द्वारा होता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है जिसको होलोगैमी कहते हैं, या गैमिट्स फ्यूज करते हैं तो उसको सिनगैमी कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री में ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है अधिकतर, जिसमें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, सूखा पड़ जाए या टेम्परेचर सही ना हो, उस केस में इंसिस्टमेंट होता है टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। हमेशा एक
निश्चित मात्रा में मॉइस्चर जो है रिक्वायर्ड होता है इनके हैबिटेट में। इसी वजह से अधिकतर जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं वो एक्वेटिक होती हैं, वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं या मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, और कुछ पैरासिटिक या कमेंसल फॉर्म्स हैं जो कि बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर रहते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। क्लासिफिकेशन, इसके लिए दो क्लासिफिकेशन हैं जो प्रचलित हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो हाइमन ने 1940 में दिया था, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया था हिकमैन ने 1961 में और स्टोरर ने 1965 में। प्रोटोजोआ फाइलम को दो सब फाइलम में इन्होंने डिवाइड किया था, फाइलम सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा एंड सब फाइलम सीलियोफोरा। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा को फर्दर डिवाइड किया था क्लास मेस्टिकोफोरा में, क्लास सार्कोडिना में और क्लास स्पोरोजोआ में, जबकि सब फाइलम सीलियोफोरा को डिवाइड किया गया था क्लास सीलिएटा और क्लास सक्टोरिया में। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन प्रचलित है वो दिया था बी एम होनिकबर्ग एट आल ने 1965 में। इन्होंने प्रोटोजोआ को चार सब फाइलम में डिवाइड किया था, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। तो सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा ये वो सब फाइलम है जिसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें लोकोमोशन सूडोपोडिया या फ्लैजला के द्वारा होती है या कभी कभी दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इनमें मोनोमॉर्फिक होते हैं। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा को आगे डिवाइड किया गया है तीन सुपर क्लास में। पहली सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा या फ्लैजलेटा, दूसरी सुपर क्लास है ओपेलाइनेटा और तीसरी सुपर क्लास है सार्कोडिना। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा ये सिंपल प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। इसमें फॉर्म पेलिकल होता है, आउटर कवरिंग जो होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर वो एक पेलिकल होता है। इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक होता है या प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। कभी कभी दोनों रूप से इसमें न्यूट्रिशन होता है, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। मेस्टिकोफोरा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा और क्लास जू मेस्टिकोफोरा या जू फ्लैजलेटा। सबसे पहले क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा या फाइटोफ्लैजलेटा, फाइटो का मतलब होता है प्लांट और फ्लैजलेटा का मतलब होता है फ्लैजला। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्रोमैटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें होलोफिटिक होता है बाय फोटोट्रॉफी और रिजर्व फूड मटेरियल कैन बी स्टार्च या पैरामाइलॉन। फ्लैजला एक या दो होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। फाइटोमेस्टिकोफोरा इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ऑर्डर्स। तो इसमें जो है छः ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर क्राइसोमोनाडिडा, ऑर्डर क्रिप्टोमोनाडिडा, ऑर्डर यूग्लेनिडा, ऑर्डर वॉल्वोसिडा, ऑर्डर क्लोरोमोनाडिडा एंड ऑर्डर डाइनोफ्लैजलिडा। सबसे पहले ऑर्डर क्राइसोमोनाडिडा। क्राइसोमोनाडिडा में बहुत पतला पेलिकल होता है, अधिकतर ये एमिबॉइड होते हैं। फ्लैजला एक से लेकर तीन होते हैं। इनमें गलेट एब्सेंट होता है, स्टिग्मा जो है अधिकतर प्रेजेंट होता है। क्रोमैटोफोर्स एक या दो हो सकते हैं, क्रोमैटोफोर्स येलो हो सकते हैं या ब्राउन हो सकते हैं और इनकी जो शेप होती है वो डिस्कॉइडल शेप होती है। स्टार्च यहाँ पर एब्सेंट होता है और उसकी जगह ल्यूकोसिन या फैट प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिस अमीबा, ओक्रोमोनास और सिम्यूरा। ऑर्डर क्रिप्टोमोनाडिडा, ये बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। पेलिकल यहाँ पे रिजिड होता है, फ्लैजला दो होते हैं, गलेट एंटीरियर होता है जो कि बॉडी के मिडल तक जाता है। क्रोमैटोफोर्स दो होते हैं, येलो ब्राउन या कलरलेस हो सकते हैं। रिजर्व फूड स्टफ जो होता है वो स्टार्च होता है, कभी कभी ऑयल्स के रूप में भी होता है। एग्जाम्पल्स हैं काइलोमोनास और क्रिप्टोमोनास। ऑर्डर यूग्लेनिडा, इसमें जो एनिमल्स होते हैं कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। इनमें पेलिकल जो होता है थिक होता है और फर्म होता है। फ्लैजला एक या उससे अधिक, कभी कभी दो भी हो सकते हैं। एंटीरियर एंड में गलट होता है और जो कि एक रिजर्वॉयर में जाता है। क्रोमैटोफोर्स बहुत सारे होते हैं, ग्रीन या होते हैं या कलरलेस होते हैं। रिजर्व फूड स्टफ जो होता है इनमें पैरामाइलॉन या ऑयल होता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी यूग्लेना एंड पैरानिमा। ऑर्डर वॉल्वोसिडा,
ये बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, इनमें सेल्युलोज की कवरिंग होती है जिसको थीका भी बोलते हैं, लेकिन इनमें गलेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्लैजेला 2 से 4 तक प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स इनके ग्रीन होते हैं, अधिकतर कप शेप क्रोमेटोफोर्स होते हैं। रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च या ऑयल्स के रूप में होता है। ये कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं, लूज कॉलोनीज बनाते हैं। एग्जाम्पल्स आर क्लमाइडोमोनास एंड वॉलवॉर्म्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर क्लोरोमोनेडिडा। क्लोरोमोनेडिडा जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, यानी कि चपटे होते हैं। इनका पेलिकल बहुत डेलिकेट होता है। यहाँ पर गलेट पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स ग्रीन होते हैं और बहुत सारे होते हैं। रिजर्व फूड स्टफ जो है वो ऑयल्स के रूप में होता है। एग्जाम्पल इज गोनियोस्टोमा। ऑर्डर डाइनोफ्लैजेलेटा। ये छोटे और प्लैंकटोनिक एनिमल्स होते हैं। प्लैंकटोनिक यानी कि प्लांट लाइक, और ड्रिफ्ट करते हैं ये बिल्कुल वाटर करंट के साथ में। बॉडी इनकी नेकेड होती है, एमीबॉइड होते हैं, और कभी कभी इनमें सेल्युलोज का मोटा थीका प्रेजेंट होता है। गलट प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। फ्लैजेला 2 होते हैं। क्रोमेटोफोर्स या तो येलो होते हैं या ब्राउन होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टार्च या ऑयल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। कभी कभी स्टार्च और ऑयल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स आर नॉक्टिल्यूका एंड सिरेशियम। नॉक्टिल्यूका जो है वो बायोल्यूमिनेसेंट होता है। नॉक्टी मीन्स नाइट एंड ल्यूका इज लाइट, तो वो जो रात में चमके। नेक्स्ट इज क्लास जूमेस्टिगोफोरिया या जू फ्लैजेलेटा। इसमें क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं। अधिकतर ये पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक भी हो सकता है और सैप्रोजोइक भी हो सकता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। फ्लैजेला में भी वन और मैनी। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर्स। ऑर्डर राइजोमेस्टिजिडा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, ऑर्डर कोयानोफ्लैजेलेटा, ऑर्डर डिप्लोमोनेडिडा, ऑर्डर हाइपरमेस्टिजिडा, ऑर्डर ट्राइकोमोनेडिडा। सबसे पहले ऑर्डर राइजोमेस्टिजिडा। ये दीज आर स्मॉल एमीबॉइड एंड चीफली फ्रेश वाटर, इतने फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लोकोमोशन इज बाय 1 to 4 फ्लैजेला एंड स्यूडोपोडिया, मतलब इसमें स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला दोनों प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स आर मैस्टी अमीबा एंड डाइमॉर्फा। नेक्स्ट इज ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा में किसी भी प्रकार का गलट प्रेजेंट नहीं होता है। काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला कैन बी 1 to 4। नो डेफिनेट पेलिकल इज प्रेजेंट। बहुत सारे इसमें पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जो कि ब्लड में पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लेशमानिया और ट्रिपैनोसोमा। ऑर्डर डिप्लोमोनेडिडा। इनमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पेलिकल इसमें डेलिकेट होता है और अधिकतर में साइटोस्टोम या सेल माउथ होता है। फ्लैजेला 3 से लेकर 8 तक होते हैं, जिनमें से एक जो है अधिकतर पीछे की तरफ ट्रेल करता है या एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन और या उसका बॉर्डर एक सेल का बॉर्डर की तरह बनाता है। अधिकतर जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर हेक्सामेटा एंड जियार्डिया। नेक्स्ट इज ऑर्डर हाइपरमेस्टिजिडा। ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनमें बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं। काइनेटोसोम्स जो होते हैं वो एक सर्कल में अरेंज्ड होते हैं या प्लेट के रूप में अरेंज्ड होते हैं। कभी 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 लॉन्जिट्यूडनल या स्पाइरल रोज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माउथ यहाँ पर एब्सेंट होता है। फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अधिकतर जो होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स एंड कॉकरोचेस। इनके एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा, जिसकी सहायता से टर्माइट्स जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ट्राइकोमोनाडिडा। इनमें 4 से 6 फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेलम इनमें ट्रेलिंग होता है। ये अधिकतर वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट इज सुपर क्लास ओपेलाइनेटा। इसमें जो पूरी बॉडी है वो सीलिया लाइक फ्लैजेला से कवर्ड होती है और इसमें 2 से अधिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि सभी एक प्रकार के होते हैं या मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई आप कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिशन होता है और कभी कभी सिनगैमी द्वारा भी होता है। अधिकतर पैरासिटिक होते हैं फ्रॉग्स और टोड्स में। एग्जाम्पल इज ओपेलाइना। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टल सीलिएट ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट इज सुपर क्लास सार्कोडिना और राइजोपोडा। इनमें अधिकतर एमीबॉइड एनिमल्स होते हैं, जिनमें कोई डेफिनेट पेलिकल नहीं होता है।
कुछ में किसी प्रकार का एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है, लोकोमोशन सूडोपोडिया के द्वारा होता है, न्यूट्रिशन होलोजोइक या सेप्रोजोइक होता है। सुपर क्लास सार्कोडिना को डिवाइड किया गया है तीन क्लासेस में, क्लास राइजोपोडा, क्लास एक्टिनोपोडा एंड क्लास पायरोप्लाज्मिया। क्लास राइजोपोडा इसमें स्यूडोपोडिया पोडिया जो होते हैं वो या तो लोबोपोडिया की तरह से होते हैं या फाइलोपोडिया होते हैं या रेटिक्यूलोपोडिया होते हैं, लेकिन इनमें एक्सियल फिलामेंट्स नहीं होते हैं। और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन सब क्लासेस में अकॉर्डिंग टू द स्यूडोपोडिया प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लास लोबोसिया, इसमें लोबोपोडा होते हैं, सब क्लास फाइलोसिया जिसमें फाइलोपोडिया होते हैं, और सब क्लास ग्रैन्युलो रेटिक्यूलोसा जिसमें रेटिक्यूलोपोडिया होते हैं। सब क्लास लोबोसिया को फर्दर दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, एमिबिडा एंड ऑर्डर आर्सिलिनिडा, जबकि सब क्लास ग्रैन्युलो रेटिक्यूलोसा में एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर फोरामिनिफेरिडा। सब क्लास लोबोसिया, इसमें स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो लोबोपोडियन होते हैं, इसमें एक ऑर्डर है एमिबिडा जिसमें बॉडी एमिबॉइड होती है, नेकेड मतलब कोई एक्सोस्केलेटन इसमें बाहर प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस में एक हनीकॉम्ब लैटिस होता है, मतलब एक नेटवर्क की तरीके से होता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का एक नेटवर्क होता है फाइब्रल्स का। अधिकतर फ्रेश वाटर होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, जबकि कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पिलोविक्सा। ऑर्डर आर्सिलिनिडा या टेस्टासिडा, इनमें एक सिंगल चैम्बर्ड शेल प्रेजेंट होती है जो कि स्यूडोकाइटिन की बनी हुई होती है। इस शेल में एक सिंगल ओपनिंग है जहां से इसके लोबोपोडिया जो हैं बाहर निकलते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, अधिकतर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आर्सिला, डिफ्लूजिया एंड यूग्लाइफा। सब क्लास ग्रैन्युलो रेटिक्यूलोसिया, स्यूडोपोडिया इसमें डेलिकेट होते हैं, ग्रैन्युलर रेटिक्यूलोपोडिया होते हैं, ऑर्डर है इसमें फोरामिनिफेरिडा। ये बड़े साइज के एनिमल्स होते हैं, यूनि और मल्टी चैम्बर्ड कैल्केरिया शेल होती है, मतलब कि इसमें शेल में एक से लेके कई सारे चैम्बर्स हो सकते हैं, और इन चैम्बर्स इन शेल के एक से अधिक ओपनिंग्स हो सकती हैं। रेटिक्यूलोपोडिया जो है इन ओपनिंग्स में से बाहर निकलते हैं, एग्जाम्पल्स हैं ग्लोबोजिराइना, एल्फीडियम या पॉलिस्टोमेला। नेक्स्ट इज क्लास एक्टिनोपोडिया, एक्टिनोपोडिया में जो बॉडी होती है वो स्फेरिकल होती है, सूडोपोडिया में एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि उसकी बॉडी से बाहर रेडिएट आउट करते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड है चार सब क्लासेस में, सब क्लास हीलियोजोआ जोइया, सब क्लास रेडियोलेरिया, सब क्लास प्रोटियोमिक्सिडिया, सब क्लास पायरोप्लाज्मिया। सबसे पहले सब क्लास हीलियोजोइया, इसमें स्फेरिकल एनिमल्स होते हैं जिनको एनिमल क्यूल्स बोलते हैं, एक्सोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, दे माइट बी नेकेड या उनकी स्केलेटन में सिलिशियस स्पाइंस या स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर एक्टिनोफ्रिज एंड एक्टिनोस्फेरियूरी। देन इज सब क्लास रेडियोलेरिया, बॉडी नेकेड और विथ परफोरेटेड काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल्स सेपरेटिंग एक्टोप्लाज्म फ्रॉम एंडोप्लाज्म, मतलब कि इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म एक कैप्सूल के माध्यम से सेपरेटेड होता है, और ये कैप्सूल जो होता है काइटिन का बना हुआ होता है और परफोरेटेड यानी इसमें छिद्र होते हैं जिससे कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेटिक्यूलोपोडिया एक्सोपोडिया या फाइलोपोडिया होते हैं, स्केलेटन अधिकतर सिलिशियस स्पीक्यूल्स की बनी हुई होती है या फिर स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स की बनी होती है, एग्जाम्पल्स हैं कोलोजियम एंड थैलेसिकोला। देन सब क्लास एकेंथेरिया, इसमें जो सेंट्रल कैप्सूल होता है वो इम्परफोरेट होता है और नॉन काइटिनॉइड होता है और इसमें कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स का बना होता है। सूडोपोडिया जो होते हैं वो एक्सोपोडिया होते हैं, एग्जाम्पल्स आर एकेंथोमीट्रा। देन सब क्लास प्रोटियोमिक्सिडिया, इसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वो फाइलोपोडिया टाइप के होते हैं, अधिकतर पैरासाइट्स होते हैं एल्गी पर, एग्जाम्पल्स आर वेम्पायरिला एंड स्यूडोस्पोरा। नेक्स्ट इज क्लास पायरोप्लाज्मिया, ये छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स के आरबीसीज में पाए जाते हैं और ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एग्जाम्पल इज बेबीसिया। देन नेक्स्ट इज सबफाइलम स्पोरोजोआ,
स्पोरोजोआ में लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब कि अपने होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सब फाइलम स्पोरोजोआ को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास टीलोस्पोरिया, क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया और क्लास हैप्लोस्पोरिया। क्लास टीलोस्पोरिया को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है, सब क्लास ब्रिगेराइना एंड सब क्लास कॉक्सीडिया। क्लास टीलोस्पोरिया, क्लास टीलोस्पोरिया में स्पोर्स जो होते हैं दीज आर डिवॉइड ऑफ पोलर कैप्सूल्स एंड फिलामेंट्स, मतलब स्पोर्स में किसी भी प्रकार के कोई कैप्सूल्स या फिलामेंट्स नहीं होते हैं। एंड दीज स्पोर्स आर नेकेड और दे मे बी एंसिस्टेड। इसकी जो पहली सब क्लास है दैट इज सब क्लास ग्रिगेराइनिया। इसमें इसके जो मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और होस्ट की गट में या बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं। गट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। 8 स्पोरोजॉइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच स्पोर, मतलब कि प्रत्येक स्पोर से 8 स्पोरोजॉइट्स बनते हैं और ये इनवर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल्स आर ग्रिगेराइना एंड मोनोसिस्टिस। देन सब क्लास कॉक्सीडिया या एपिको एम्प्लेक्सा। मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स जो होते हैं इनमें छोटे होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, इनके जो ऊसाइट्स होते हैं प्रत्येक ऊसाइट बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बनाता है। ब्लड या गट पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, एग्जाम्पल हैं आइमेरा, आइसोस्पोरा एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट ऑफ आरबीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन। नेक्स्ट इज क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया। इस क्लास में स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है, एग्जाम्पल इज टॉक्सोप्लाज्मा। देन सब फाइलम नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा में स्पोर्स में पोलर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। क्लास मिक्सोस्पोरिडिया में जो स्पोर्स होते हैं वो दे आर लार्ज, दे आर डेवलप फ्रॉम सेवरल न्यूक्लियाई एंड स्पोर्स विद टू और थ्री वॉल्स, मतलब कि प्रत्येक स्पोर में दो से तीन तक वॉल्व होते हैं। एंड दीज आर मोस्टली पैरासिटिक ऑन फिशेज, एग्जाम्पल्स आर मिक्सीडियम, मिक्सोबोलस, सिरेटोमिक्सा। देन क्लास माइक्रोस्पोरिडिया, इनके स्पोर्स जो होते हैं माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये छोटे स्पोर्स होते हैं और ये सिंगल न्यूक्लियस से डेवलप होते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन यूनिवॉल्व हो सकती है और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स ऑफ फिशेज के, एग्जाम्पल इज नोसीमा। नोसीमा जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरासाइट है सिल्क मॉथ का और हनी बीज का। इन सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होते हैं सीलिया। दीज आर यूज फॉर लोकोमोशन एज वेल एज फॉर फीडिंग और ये लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज में जरूर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई इसमें दो प्रकार के होते हैं, दैट मीन्स दे आर डाइमॉर्फिक। इसमें एक ही क्लास होती है सीलिएटा या इंफ्यूसोरिया, और जबकि चार सब क्लासेस होती हैं, सब क्लास होलोट्राइका, सब क्लास पेरीट्राइका, सब क्लास सप्टोरिया एंड सब क्लास स्पायरोट्राइकिया। क्लास सीलिएटा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हेयर लाइक सीलिया होते हैं जो कि इनकी लाइफ थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ डेफिनेट माउथ और साइटोस्टोम एंड गलेट। केवल कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनल अपर्चर या साइटोपाइथ जो होता है वो परमानेंट है। एक या एक से अधिक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी सब क्लास होलोट्राइका। सीलिया सिंपल होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, बक्कल सीलिया अधिकतर एब्सेंट होते हैं। इसमें 6 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर जिम्नोस्टोमैटिडा, ऑर्डर ट्राइकोस्टोमैटिडा, ऑर्डर कोनोट्राइकिडा, ऑर्डर एपोस्टोमैटिडा, ऑर्डर एस्टोमैटिडा एंड ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा। ऑर्डर जिम्नोस्टोमैटिडा, इसमें लार्ज सीलिएट्स होते हैं, ओरल सीलिएचर इनमें नहीं होता है। साइटोस्टोम जो है डायरेक्टली ओपन होता है इसकी कैविटी में, बॉडी में या सेल में, और इनमें वेस्टिब्यूल भी प्रेजेंट नहीं होता है। और एग्जाम्पल्स हैं कोलिप्स, डाइडीनियम, पोरोडॉन एंड डायलेप्टस। ऑर्डर ट्राइकोस्टोमैटिडा, इनमें वेस्टिबुला में और ओरल ग्रुप में कोई बकल सीलिएचर नहीं होता है। एग्जाम्पल्स आर बैलेंटीडियम एंड कॉलपोटा।
ऑर्डर गोनोट्राइकिडा, इसमें कोई बॉडी सीलिएचर प्रेजेंट नहीं होता है, केवल एक एपिकल फनल होती है जो कि स्पाइरली कॉइल्ड है, जहां पर वेस्टिबुलर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल आर स्पाइरोकोना एंड लोबोकोना। ऑर्डर एपोस्टोमेटिडा, इनमें भी स्पाइरली अरेंज सीलिया होता है, साइटोस्टोम मिड वेंट्रल होता है यानी कि वेंट्रल साइड के बीच में होता है, एग्जाम्पल इज हयालोफाइसा। ऑर्डर एस्टोमेटिडा, बॉडी सीलिएशंस यहाँ पे यूनिफॉर्म होती हैं, साइटोस्टोम एब्सेंट होता है, एग्जाम्पल एनोप्लोफायरा एंड मोपासेला। ऑर्डर हैमेनोस्टोमेटिडा, बॉडी सीलिएशंस आर यूनिफॉर्म, बकल कैविटी वेंट्रल साइड पर होती है जहाँ पर सीलियरी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एग्जाम्पल्स कॉल्पीडियम एंड पैरामीशियम। सब क्लास पेरीट्राइका, अडल्ट आर विदाउट बॉडी सीलिया एंड एपिकल एंड विद बकल सीलिया। ऑर्डर इज पेरीट्राइकिडा, एग्जाम्पल्स आर वॉटिसेला एंड कार्शीसियम। सब क्लास सप्टोरिया, दीज आर सेसाइल एंड स्टॉक, इनकी सेसाइल या स्टॉक बॉडी होती है, जो यंग होते हैं इनमें उनमें सीलिया होती है, जबकि एडल्ट में सप्टोरियल टेंटिकल्स होते हैं। ऑर्डर सप्टोरिडा, एग्जाम्पल्स आर एक्टिनेटा, ईफेलोटा एंड पोडोफायरा। देन सब क्लास स्पाइरोट्राइकिया, दे हैव रिड्यूस बॉडी सीलिया, बकल सीलिया आर वेल मार्क, इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री ऑर्डर्स, ऑर्डर हेट्रोट्राइकिडा एंड ऑर्डर ओलिगोट्राइकिडा, ऑर्डर हाइपोट्राइकिडा। ऑर्डर हेट्रोट्राइकिडा में बॉडी सीलिया शॉर्ट होते हैं, यूनिफॉर्म या एबसेंट होते हैं, एग्जाम्पल आर स्टेंटर, बर्सेरिया एंड स्पाइरोस्टोमम। ऑर्डर ओलिगोट्राइकिडा में बॉडी सीलिया रिड्यूस या एबसेंट होते हैं, बकल मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्स्पिकुअस होती है, एग्जाम्पल आर स्ट्रोम्बिडियम एंड हाल्टेरिया। ऑर्डर हाइपोट्राइकिडा, दीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्यू सीलिया फॉर्मिंग वेंट्रल सिलाए, एग्जाम्पल आर यूप्लोटस एंड स्टाइलोंकिया। फॉर फर्दर रीडिंग्स यू कैन कंसल्ट कोटपाल आर एल, प्रोटोजोआ कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, एंड दिस इज अ चैप्टर इन मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जुअलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय रस्तोगी पब्लिकेशंस। एंड आई ऑल्सो थैंक रस्तोगी पब्लिकेशन फॉर अलाउंग मी टू यूज द कंटेंट फ्रॉम मॉडर्न टेक्स्ट बुक इन जुअलॉजी इनवर्टिब्रेट्स।